हाय, आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट और मैं हूं तुषाबा। थग्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही वो मूवी काफी चर्चित रही है। हर जगह सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही है। चलिए आपको 5 रीजन बताते हैं ये मूवी क्यों ब्लॉकबस्टर रहेगी। रीजन नंबर 1, आमिर खान के 30 साल के बॉलीवुड के करियर में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान मीट्स मिस्टर परफेक्शनिस्ट अमिताभ बच्चन। जी हाँ, आप आमिर खान और अमिताभ बच्चन को स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए देखेंगे। रीजन नंबर 2, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जो एक हॉलीवुड की काफी बड़ी मूवी है, उस मूवी से थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी प्रेरित है। तो हम उम्मीद करते हैं पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जितनी फेमस हुई है उतनी ही थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी चलेगी। रीजन नंबर 3, प्रमोशन स्किल्स, VFX और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत ही अच्छी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मूवी यश राज की है। यश राज जो जाने जाते हैं अपने प्रमोशन स्किल्स के लिए, तो इसी वजह से थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी काफी चल सकती है। कारण नंबर 4, इस मूवी के सारे स्टार कास्ट के कैरेक्टर्स के लुक और स्टाइलिंग बहुत ही बढ़िया किए हैं। अगर आप इस मूवी का ट्रेलर देखें तो सारे ही स्टार कास्ट कैरेक्टर्स और उनकी स्टाइलिंग बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया की गई है। 5वां और सबसे अहम रीजन है कि हिस्टोरिकल मूवीज बहुत ही चल रही है आजकल। इसी वजह से थग्स ऑफ हिंदुस्तान जो भी माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिक्शन है वो भी चलेगी, और ये मूवी हम लिख के देते हैं ब्लॉकबस्टर रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, फंडू कंटेंट को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।